नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं भाई ससुराल, ससुराल मेरा ससुराल और मेरी वाइफ का माई का। तो भैया चल दिए ससुराल की ओर। भैया 11:30 तो यहीं बज गया, 12 बजे की है फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट तो छूट जाएगी भैया हमारी। ठीक है भैया, ना फ्लाइट की ज़रूरत है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5000 कदम चलने होंगे, 5000-6000 गिनती के, और उसके बाद मेरा ससुराल सामने रह गया। ठीक, एक ही गांव के हैं भैया, लव लव मेरी जो इच्छा हमारी, सही बात है भैया। अब क्या बताएं, कब्र का हाल तो वही जानता है। ठीक है भैया, अब चल रहे हैं ससुराल की ओर। खीरे कितना टाइम लगा रहे हो रे तुम, जल्दी करो रे, लेट कर रहे हो रे तुम। हाँ मुँह चुपा देती भाई, जल्दी करो रे, जल्दी चलो रे। हाँ रे, इतना टाइम लगा दिया रे। ठीक है भैया, चल रहे हैं और लेट कर रहे हैं बहुत ही। और अरे भाई ये क्या हो गया, आप यही सोच रहे हो ना, आप तो ससुराल जा रहे थे और भैया ये रोड में क्या कर रहे हो? तो भैया साथ में है ससुराल से मेरे जेठू जी, और इनके साथ पीछे बैठे हुए हैं इनके साले। ठीक, अभी हम जा रहे हैं भैया सोने नाले। कहाँ जा रहे हैं? सोने नाले जा रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि सोने नाले घूम के आते हैं, और भैया वहाँ अकेले जाने की तो मेरी हिम्मत होती नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि चलो भैया साथ चल रहे हैं, शाम भी हो गई है ना। तो वो है भैया एक हॉरर टनल, मतलब एक बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक टनल है वो। अब देखते हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है, भैया बहुत ही डरावनी टनल है। तो भैया दिल थाम के बैठिए, आपको जिसका इंतज़ार था हम उसी टनल के सामने पहुँच गए भैया। बहुत ही डरावनी का गुफा है ये। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो भैया जेठू जी दे पाएंगे, तो इनसे पूछते हैं भाई। ठीक है, आइए मिलवाता हूँ आपको जेठू जी से। ये बताइए इसके बारे में कुछ। चलो जानते हैं इस टनल के बारे में। इस टनल का निर्माण लगभग आज से 90 साल पुरानी है टनल, इससे पहले हो चुका था, 90 साल पुरानी, अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। ठीक ठीक ठीक। देखिए आप जानते हैं कि ऊपर से नदी बह रही है, देख रहे हैं ना नदी बह रही है। आपको लग रहा होगा कि उस पार जाने के लिए यहाँ पर पुल नहीं है, पर फिर भी लोग यहाँ से उस पार जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आप सोच रहे हो यहाँ से उस पार कैसे जा रहे हैं, बिना बोट के, बिना नाव के, तैर के तो नहीं जाते ठंडियों में, पर फिर भी आजकल भी चल के जाते हैं इसके नीचे से। इसके नीचे एक ऐसी टनल है, ऐसी सुरंग है जिसका निर्माण आवाजाही के लिए। एक ऐसा डरावना नाला है जिसमें आप रात को अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, बहुत मजा आने वाला है। डर के जाना पड़ेगा। हाँ। है आपके पास हिम्मत जाने के नीचे? भाई हमारे पास तो है, आपके साल हिसाब से पूछ लो। है भाई हिम्मत नहीं है तो चलते रहते भैया। ये भैया थोड़ा सी ना आपको हम ये बता रहे, सचेत कर रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ लोकल के हैं, हमें यहाँ के बारे में अधिकतर सब पता है। ठीक, हम आपको इसलिए सचेत कर रहे हैं कि भैया हम आपको उस वो एक्टिविटी को दिखा रहे हैं कि भैया आपको जब आना है तो इसमें सचेत ऐसे सचेत रहना है। आपको मैं दिखाऊँ की नाला भय कहाँ से रहा है। आइए देखिए, ये दिख रहा है आपको नाला, ये नाला बरसात के टाइम पर ऊपर आ जाता है और यहाँ पर बाढ़ के खतरे बन जाते हैं, यहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है। सोचो इतना भयंकर नाला है और डरावना नाला है। आओ भैया फाइनली हम इस गुफा के अंदर जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि तीन टनल बनी हुई है और तीन टनल में से एक टनल में रास्ता बन रखा है, और दो टनल में वैसे अधिकतर पानी रहता है, तो बरसात के टाइम में तो वैसे भी आवाजाही नहीं होती है यहाँ से। और हम इसके अंदर जाने वाले हैं, अभी फिलहाल शाम का समय है, रात को जाना बहुत रिस्की होता है यहाँ पर, और वैसे लोकल के लोग ये कहते हैं, मैं भी लोकल का ही हूँ, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि यहाँ रात को जाने से भूत मसाण मसाण भूत प्रेत का मतलब खतरा होता है, जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। और वैसे ये बातें काल्पनिक है अधिकतर, वैसे मैंने सुना भी है और अधिकतर देखा भी है कि लोगों को नुकसान भी पहुंच रखा है इसी बात में रात को जाने से यहाँ अंदर, क्योंकि भाई डरावनी गुफा है ये, बहुत पुरानी गुफा है, क्योंकि भाई हम उत्तराखंड देवभूमि में रहते हैं तो हम ये चीज़ों को मानना भी जरूरी है, क्योंकि भैया ये नहीं मानेंगे तो क्योंकि हमें हमारे साथ भी कुछ ऐसी हादसा ना हो जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जा रहे हैं टनल के अंदर को। ठीक है, और इको साउंड बहुत अच्छा आता है इसके अंदर से, हम कोशिश करेंगे कि आपको सुनाएं यहाँ का इको साउंड कैसा है। ठीक है जेठू जी, चले अंदर, चलिए आइए आइए। देखिए
देखो लाइट जलाना पड़ रहा है, ये देख रहे हैं आप नदी का पानी लीक हो रहा है, देख सकते हैं ये यार नदी का पानी लीक हो रहा है ना भाई साहब। ये वैसे अंग्रेजों की बनाई हुई है ये गुफा है, अब तक फिलहाल तक इसमें कुछ नहीं हुआ है, 90 साल करीब पुरानी ये गुफा होगी जैसा कि धनुषपुर वाले बता रहे हैं। और ये देखिए भाई तालाब ना पारे की तालाब है कितना, ये देखो ये पानी लीक हो रहा है, नदी का पानी लीक हो रहा है, नदी का पानी लीक हो रहा है, अब पता नहीं किसकी ना ये टूटती है गुफा और पता नहीं कौन बनता है इसका शिकार। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर से बढ़ते हैं। गुमनाम है कोई बदनाम है किसको पता कौन है वो, भैया रात को ऐसी आवाज आती है यहाँ क्या है, मकड़ी देखी मकड़ी, अरे यार मैं गर्म क्या है भैया, देखो पानी लीक हो रहा है यहाँ से भी भैया, बहुत ही मतलब ना ये आप किसी ने बता नहीं, ये गिरती है नदी और होता है कौन शिकार बनता है इसका। तू जहाँ मेरा सारा साथ ये बहुत जगह से लीक हो रहा है, ऊपर जो नदी दिखाई दी आपको वहाँ का पानी लीक हो रहा है। चलिए फटाफट चलते हैं, चलते रहे यहाँ इस बार देखते हैं। तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया भैया ऐसी इनको सामनाती है, एक और आपने कहा मैं वाली ड्रामी, चलो हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं कौन ड्रामी आवाज निकाल पाता है भैया जेठू जी और मैं कंपटीशन कर रहे हैं भैया, कौन डरावनी आवाज निकाल पाता ज्यादा, ठीक है सबसे पहले हम जेठू जी से स्टार्ट करते हैं, जेठू जी निकाल दो अरे पानी भी जाते यार, ओ माय गॉड देख रहे हैं आप, अरे पहले भैया हम तो कंपटीशन कर रहे हैं जेठू जी और मैं भाई, कौन डरावनी आवाज के चक्कर में आ गए अंदर, अब गुफा के अंदर लग रही है वो डर, देखो मुंह देख सकते हैं उनका डर के मारे अरे डरावनी आवाज निकाली क्या कर रहा है भैया, फाइनली हम पहुंच गए हैं इस पार, गुफा के पार आ गए भैया, देख सकते हो कितना अच्छा सीन है यार, पानी वाव यार भाई, पिकनिक पॉइंट भी है ऐसी बात नहीं, देखिए पानी भूतों के साथ पिकनिक कर सकते हो यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है अब लोकल में, यहाँ पर सामने घर भी बना रखा है एक अंकल जी ने, वो रहते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा व्यू आप देख सकते हैं, ये देखो पटना हो जाए यार, जूते वूते भीग ना जाए, जूते पहन रखे हैं यार भाई, ठंडे से तो मेरे को वैसे ही बचना है। आ गए इस पार, यहाँ से कीचड़ भी बहुत हो रखा है, पहले 10 साल पहले यहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं थी, तो आयो मित्रों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक बस्ती बन चुकी है, देखिए घर देख सकते हैं आप और इस साइड देख सकते हैं घर, और यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा जो है वो है हाथियों का, हाथियों का खतरा, हाथियों का खतरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, नुकसान बहुत ज़्यादा कर देते हैं हाथी, देख सकते हैं आप ये बनाया हुआ है इन्होंने से बनाया हुआ है सेफ्टी के लिए, तो चले चलते हैं ऊपर की ओर,
और ये नई बस्ती है यहाँ की। भैया ये हमें भूत समझ रहा है। भैया फाइनली आ गए हम गुफा के इस पार। जेठी जी देखिए आप, पहले हम उस साइड थे, उस साइड छुट्टी की हम लोगों ने, और हम गुफा के अंदर से इस साइड आए हैं अभी। इस साइड आए ना, और इसमें हमें आने में पूरा 5 मिनट लगे हैं, और देख सकते हैं आप अंधेरा भी हो चुका है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, बज गया है। और लगभग 6 बज चुका है, और हमें अभी उस पार भी जाना है, तो हम चाहते हैं कि हम उस पार जाके हम मशीन दिखाएं, क्योंकि उस पार हमारी व्हीकल भी खड़ा है ना, गाड़ी भी खड़ी है हमें, तो हम उस साइड निकलते हैं। चलिए ठीक है भैया, आप जल्दी उस साइड निकलते हैं, 6 भी बज गए हैं, और जल्दी जल्दी निकलते हैं हम घर की ओर। चलिए ठीक है भैया, चल रहे हैं उस पार। फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं गुफा के अंदर से। भैया सेव आ गए, काफी डरावनी गुफा थी भाई, काफी डरावनी, बहुत ही मजा आया, एंजॉय किया है, और आपको देखने को मिला होगा इसमें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फाइनली आप घर की ओर चलते हैं, और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे जेठू जी से मिलके कैसा लगा, और आपको ये भयानक गुफा को देखकर कैसा लगा। और आज के ब्लॉग का अंत यहीं पर ही करते हैं, कल मिलते हैं नई सुबह नई ताजगी के साथ, तब तक के लिए टाटा। टाटा से पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और शेयर करें, शेयर करें। ठीक है भैया, इतनी मेहनत कर रहे हो आपके लिए यार, भैया कुछ तो कर लो यार, हमें भी वायरल कर दो, कुछ तो सुन लो हमारी भी। ठीक है भैया, आज के ब्लॉग का अंत यहीं पर ही करते हैं, कल मिलते हैं नई सुबह नई ताजगी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।